हत्या में पत्नी सहित पांच पर मुकदमा दर्ज। हल्द्वानी के काठगोदाम में 24 तारीख की रात चांदमारी इलाके में ढाबा संचालक अमित कुमार की गोली मारकर हत्या के मामले में पुलिस ने जांच तेज कर दी है और आज पुलिस ने मृतक अमित की बहन की तहरीर पर अमित की पत्नी सहित ससुरालियों पर हत्या और हत्या के षड्यंत्र का मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस ने अमित की छोटी बहन शालिनी की तहरीर पर अमित की पत्नी निकिता, सास मीना देवी, ससुर दिनेश कुमार, साली अंकिता और कविता के खिलाफ धारा 302 और 120B के तहत मुकदमा दर्ज किया है। साथ ही उनको हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। एसपी सुनील कुमार मीणा का कहना है कि पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है, कई तथ्य सामने आए हैं, जल्द ही मामले का खुलासा कर दिया जाएगा। एक हत्या का जो मामला सामने आया है उसमें जो मृतक पक्ष है उनकी तरफ से जो FIR आई है उसमें जो मृतक है उसके ससुराल वालों के ऊपर एलिगेशन लगाया गया है। पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है और कुछ नए तथ्य भी सामने आए हैं, कुछ क्लूज पुलिस को मिले हैं, शीघ्र ही घटना का खुलासा कर दिया जाएगा।